नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा छत्तीसगढ़ में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर चुका है, लेकिन एक और अचीवमेंट जो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चंद्रमा का टुकड़ा एक हिस्सा तोड़कर लाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जगह जगह पे सड़कों पे गड्ढे हैं और यहाँ पे ये चंद्रमा का ही हिस्सा है जो तोड़ के लाया गया है। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पूरे दूर तक ये महिला थाने का जो एरिया आता है जनता कॉलोनी, और यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं पूरा मेरे पीछे यहाँ पे पूरे गड्ढे खोदे गए हैं। इस तरह से सारी रायपुर की रोड की हालत गांव से भी बदतर हो गई है। एक से दो महीने से ऐसे ही काम चल रहा है और ये गड्ढे ऐसे की ऐसे अभी पड़े हुए हैं। और इस रोड में आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में। इतना आम जनता टैक्स पे करती है, लेकिन इस दिक्कतों को उनको सामना करना पड़ता है। उस टैक्स के बदले उनको ऐसी सड़क में चलने को मिलता है। ऐसे गड्ढों पे स्लिप होंगे तो अच्छी खासी चोट लगेगी, क्योंकि इस रोड से गर्भवती महिलाएं भी जाती हैं। अगर आप इस गड्ढे से बच भी गए तो कोई चाकू मार देगा, क्योंकि ऑलरेडी रायपुर का नाम चाकूपुर तो पड़ ही गया है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ सिर्फ गड्ढों की। हमारे छत्तीसगढ़ में सीएम बनने का शौक सभी को है, चाहे ई रिक्शा चालक हो या एमबीए एमसी ग्रेजुएट हो, सभी को सीएम बनना है, लेकिन काम किसी को नहीं करना है। मैं यहाँ के होम मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू जी से कहना चाहूँगी कि यहाँ पर एक बार इन सड़कों पर स्कूटी से आए और देखें कि इस रोड की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। अभी आपकी स्क्रीन पर तीन अलग अलग जगहों की सड़क देख सकते हैं। पहला वीडियो मोतीबाग का है, दूसरा वीडियो लाखे नगर बाज़ार का है, तीसरा वीडियो सदर बाज़ार का है। तीनों ही रायपुर की बहुत ही व्यस्त सड़क है। सड़कें खराब होने की वजह से गाड़ियां चलना भी मुश्किल हो चुका है। 18 और 19 सितंबर को G20 की मीटिंग होनी है और एक तरफ से रायपुर की सड़कों की हालत घटिया से बदतर हो गई है। दुनिया भर से G20 के लिए लोग आने हैं, अगर वो रायपुर की सिटी घूमने निकल जाएं तो रायपुर की सड़कों का हाल देखकर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सोचेंगे वो लोग। यहाँ की सड़क देख के नहीं लगता कि शासन प्रशासन काम कर रहा है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द सड़कों को ठीक किया जाए, ताकि आम जनता को सड़कें खराब होने की वजह से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कुछ राहत